नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जबलपुर के गरा ट्रैफिक थाने की प्रभारी ने कांस्टेबल को बीच रास्ते पर थप्पड़ मार दिया। कांस्टेबल ने इसकी शिकायत एसपीटी के विद्यार्थी से शुक्रवार को की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा है। वही वीडियो देखने के बाद एसपी ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। कांस्टेबल पुष्पेंद्र जाट ट्रैफिक थाने में पदस्थ है। घटना दो दिन पहले गरा थाने के नजदीक त्रिपुरी चौकी बताई जा रही है। कांस्टेबल का आरोप है कि महिला टीआई ने उसे थप्पड़ मारा, जबकि टीआई का कहना है कि उन्होंने किसी को नहीं मारा। एसपी को शिकायत में कांस्टेबल ने बताया कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसे ड्यूटी पर पहुंचने में देरी हो गई थी। वहीं उसकी ड्यूटी चेक पॉइंट पर लगाई गई थी। देरी होने के कारण नाराज टीआई ने उसे पास बुलाया और लेट होने का कारण पूछा। वहीं कांस्टेबल जवाब दे पाता उससे पहले ही सरकारी गाड़ी में बैठे बैठे थप्पड़ मार दिया। यह देख नजदीक खड़े 3 से 4 पुलिसकर्मी भी हैरत में आ गए और पीछे जाकर खड़े हो गए। एडिशनल एसपी प्रदीप शेंडे का कहना है कि कांस्टेबल ने घटनाक्रम के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं मामले की जांच डीएसपी पंकज परमार को दी गई है। तथ्य में जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पर ही कार्यवाही की जाएगी।